हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यूज को देखेंगे। क्या करा, मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या करा है कि द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, ये टू कर्व्स दी है, इनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो हम लोग यहाँ पॉइंट नहीं निकालते हैं कि वो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, डायरेक्ट ही बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, एक्स का वन वाई को वैसे ही, प्लस एक्स को वैसे रख के वाई का डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ये जीरो हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है। चलिए, तो यहाँ से आपका एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का वाई, यानी कि यहाँ से आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस वाई बाई एक्स। तो इसी को हम लोग सीधे एम वन सपोज कर लेते हैं। और दूसरे वाले को देखिए, टू एक्स माइनस का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में जीरो, इसको ले लेते हैं, माइनस टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा, माइनस का टू एक्स, माइनस टू वाई इक्वल टू, है ना जी। ये माइनस माइनस हटा देते हैं, टू से कैंसिल हो जाएगा टू, यानी कि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स जो आ जाएगा वह एक्स बाई वाई आ जाएगा, इसे एम टू सपोज कर लो। हम देख रहे हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट, स्लोप का प्रोडक्ट जो है वह माइनस वन के इक्वल हो जा रहा है। इसका मतलब कि थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 90 डिग्री, यानी कि पाई बाई टू होगा। थीटा का वैल्यू पाई बाई टू यानी कि 90 डिग्री हो जाएगा। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए।